अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी का नाम है भेजा फ्राई। आप इसे भेजे की चटनी या भेजा फ्राई दोनों कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम भेजा फ्राई बनाना। हमने भेजे को साफ करके अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम उसे आधा ग्लास पानी डालकर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और आधा चम्मच हल्दी डाल के बॉइल कर लेंगे। अब इसे हम ढककर धीमी आंच पर 5 से 10 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए रख देंगे। हमने भेजा फ्राई बनाने के लिए सारी सामग्री तैयार कर ली है। अब हम भेजे के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे और उसे फ्राई पैन में 2 स्पून तेल डालकर थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हल्का सा फ्राई करने पर ये टूटता नहीं है। अब एक कढ़ाई में 3 स्पून तेल डालें और चॉप की हुई 2 प्याज, हमने 2 प्याज ली है चॉप करके, उसे हम फ्राई करेंगे। प्याज को बस हमें नरम होने तक के, हल्का सा यानी ब्राउन होने तक के फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटो चॉप किए हुए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चियाँ जिसे हमने कट लगाई है, लहसुन चॉप करके, प्याज और टमाटर अच्छे से नरम हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी जो हमने 1 चम्मच ली है, लाल मिर्च पाउडर जो 1 बड़ा चम्मच लिया है हमने, अब इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए पकने रखेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे भेजा जो हमने फ्राई करके रखा था। इसे हमें धीरे धीरे हल्के हाथों से ही मिक्स करना है ताकि ये ज़्यादा टूटे नहीं। बस इसे मिक्स करके हम 2 से 5 मिनट के लिए दम पर स्लो आंच पर पकने रखेंगे और हमारी भेजे की चटनी या भेजा फ्राई कह सकते हैं वो रेडी है। प्लीज़ हमारी रेसिपी को ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे और गार्निश के लिए कोरिएंडर। आप इसे हल्का सा लीमू डाल के भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी फूड एंड लाइफस्टाइल की नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। हमारे चैनल का नाम है समीरा ब्यूटीफुल लाइफ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल समीरा ब्यूटीफुल लाइफ। थैंक यू।